हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं नए तरीके से समोसा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में समोसा बनाना है तो इस तरह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये जल्दी से झटपट बन तरीके से बन के तैयार हो जाता है और 10 मिनट में आप ढेरों समोसा बना के तैयार कर लेंगे। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और ये समोसा खाने में उतना ही खस्ता होता है जितने मार्केट के, और झटपट तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 1.5 कप मैदा डाल दिया है और साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन को इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच हम कलौंजी डाल देंगे, तो कलौंजी और अजवाइन ज़रूर ऐड करें, इससे समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही नमक डाल देंगे, तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी है इसमें डाल रही हूँ। घी से क्या है, हम जो समोसा बनाएंगे वो खस्ता बन के तैयार होगा, तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया। अब इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में इस तरीके से हम ले लेंगे और इस तरीके से मुट्ठी में बंद करेंगे। तो देखिए हमारा मोयम बराबर है। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम डो बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए डो बना के हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे हाथों से मसल लेंगे और हम इसे ढक के रख देंगे। जब तक हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे तब तक के लिए हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया को इसे बारीक कूट लिया था, इसमें कूट के डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे सरसों के दाने डाल देंगे। तो जब ये चटक जाएंगे तो इसमें थोड़े से 3-4 करी पत्ते के पत्ते डाल देंगे। और साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था, उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ में ही आलू में हम थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर यूज किया। और नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया है। और साथ में ही 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब हम इसमें थोड़ी सी कम गरम मसाला डाल देंगे। और 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को आलू के साथ में। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। और इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए धनिया भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, और तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डो भी परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हमें लेना है लोई, तो इस तरीके की लोई बना लेंगे और हाथों से इस तरीके से इसे चपटा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम चौके पे इसे बेल लेंगे। तो जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं तो रोटी से थोड़ा सा बड़ा हम इसे बेल लेंगे, और ज़्यादा हमें मोटा ना ही पतला, मीडियम साइज़ में हमें इसे बेलना है। देखिए इस तरीके से मैं इसे बेल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो चाकू ले लेंगे या कटर ले लेंगे, उससे हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे और बीचों बीच में से फिर एक कट और लगा देंगे हम इस तरीके से। अब उसके भी बीच में से हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से, और इस साइड से भी हम एक कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसे, और इधर इस तरीके से ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा आलू का स्टफिंग रखेंगे इस तरीके से। ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखना है हमें, थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रखना है, नहीं तो ये खुल जाएंगे ऑयल में जाके। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रख लें।
थोड़ा सा पानी हम इस तरीके से किनारे में लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे पानी लगा देंगे, इससे क्या है जो हम समोसा बनाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएगा और ये तेल में खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से अब एक साइड का उठा के हम इस तरह के आलू के ऊपर रख देंगे और दूसरी तरीके से दूसरे साइड से भी उठाएंगे हम और इसके ऊपर अच्छे से हम चिपका देंगे। इस तरीके से हाथों से दबा देंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और ऊपर के हिस्से को भी हम अच्छे से चिपका देंगे हाथों से इस तरीके से ताकि ये खुले नहीं। तो हाथों से अच्छे से दबा दे नहीं तो ये ऑयल में जाके खुल जाएगा। अब इधर भी ऊपर की तरफ हम पानी लगा लेंगे थोड़ा सा और इसे भी हम ऊपर की तरफ खींच के इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए अब किनारे को भी हम थोड़ा सा दबा देते हैं तो एक समोसा हमारा बन के तैयार है। और इसी तरीके से हम दूसरे सभी समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो एक और मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम पानी लगा लेंगे किनारे पे और इस तरीके से उठा के हम एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ऑयल में खुले नहीं। तो अच्छे से चिपकाए ही नहीं तो सारी आलू की स्टफिंग जो हमने भरी है वो बाहर आ जाएगी। तो अच्छे से इसे हाथों से दबा दे और इस तरीके से पानी लगा के हम इस हिस्से को भी चिपका देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है और आप मिनटों में बहुत सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे भी बना लिया है। तो इसी तरह हम सभी समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी समोसों को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से तेल गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इससे क्या है ज़्यादा गरम तेल हो जाएंगे तो हमारे जो समोसे खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए ऑयल को हमें हल्का गरम रखना है। तो जब हम इसे डाल देंगे तो थोड़े देर बाद इसमें से बबल आने शुरू होंगे। तो इस तरीके का तेल टेम्परेचर रहना चाहिए हमारा, इससे हमारे जो हम समोसा बनाएंगे वो खस्ता बन के तैयार होंगे। तो देखिए मैंने इसे अलट पलट करके इसका अच्छा कलर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसे निकाल लेते हैं हम और इसे प्लेट में निकाल लेंगे एक और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, इससे मुझे पता चलता है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए कितना खस्ता बना है समोसा हमारा। तो इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो अंदर से उतना ही टेस्टी लगता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।